कहाँ पे आ गए थे, वो कर दिया था। नेक्स्ट क्या था टॉपिक, देखो 8 नंबर, 8 था, 9 नंबर ऑब्टेंट डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रिंसिपल फॉरेन जीन को अपन ने ट्रांसफर कर दिया था। लिख दो ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना, लिख नहीं रहा है क्या बोर्ड में, लिखा नहीं, यहां लिख देते हैं। फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉरेन जीन प्रोडक्ट का मतलब कि जो अपन ने फॉरेन जीन ट्रांसफर किया था उससे प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है अभी अपन को, ठीक है। चलो भी देखो, इसे देखो, ये था इकोलाई बैक्टीरिया, अपने बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया, ठीक है। ये था इसका डीएनए, मैन डीएनए, ये था अपना प्लाज्मिड, ठीक है। और प्लाज्मिड में अपने किया था डिजायर्ड जीन ट्रांसफर, किया था कि नहीं किया था, अपने टीआर का सिलेक्शन कर चुके हैं। ये अपनी सेल कौन सी है, टीआर सेल, कौन सी सेल है, टीआर ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अब सुनिए, ये होगी होस्ट सेल, होस्ट सेल, और मैं मान लू ये क्या है, इकोलाई की है, क्या है, इकोलाई की, और ये जीन है, बैठ बैठ जल्दी, ये है जीन, और जीन से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, और ये प्रोटीन ही अपना प्रोडक्ट है, प्रोटीन ही अपना प्रोडक्ट है। इस प्रोटीन या इस प्रोडक्ट को अपन को आइसोलेट करना है इस ऑर्गेनिज्म से, इस प्रोटीन को यहां से अपन को निकालना है, ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन क्यों बोला, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के अंदर अपना जीन है, और यहां पर जीन मान लो ये जीन है ह्यूमन का जीन, क्या है, ह्यूमन का जीन, मान लो ह्यूमन का जीन अपने ट्रांसफर किया है, और प्रोटीन ये क्या होगा, अपना प्रोडक्ट जिसको अपन को ऑब्टेन करना है। तो ह्यूमन का जीन इस प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर किया हुआ है, और इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको अपन को आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है। तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, चलो बताओ। अब एक बैक्टीरिया है, एक सेल है, क्या एक सेल काफी है अपने प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, क्या करना पड़ेगा अपन को, बहुत सारे सेल लेनी पड़ेगी। एक सेल में कितना प्रोडक्ट बनेगा, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, एक सेल के अंदर जितना प्रोटीन मिलेगा उतना प्रोटीन सफिशियंट नहीं है, तो अपन को पूरी कोई कंपनी बनानी है कि प्रोडक्ट अपन टन्स के अंदर, मिलियंस टन्स के अंदर अपन बना सके, कि आगे से आगे वो सप्लाई होता रहे। तो एक सेल का प्रोडक्ट अपने लिए काफी नहीं है, तो इस सेल को अपन को क्या करवाना पड़ेगा, ग्रो करवाना पड़ेगा, एक लार्ज स्केल पर इसके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे अपन को। तो चलो, ये अपन ने जो ह्यूमन जीन ट्रांसफर किया इसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं हेट्रोलोगस होस्ट, हेट्रोलोगस होस्ट। हेट्रोलोगस होस्ट एक होता है होमोलोगस, एक होता है हेट्रोलोगस। हेट्रोलोगस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोलोगस का मतलब होमोलोगस हेट्रोलोगस, हेट्रोलोगस का मतलब है कि अपन ने ह्यूमन का जीन ट्रांसफर किया किसमें, बैक्टीरिया में, हेट्रोलोगस। अगर अपन ट्रांसफर करते ह्यूमन का जीन ह्यूमन में तो होमोलोगस होस्ट होता। ये बैक्टीरिया कैसा है, हेट्रोलोगस होस्ट, इसमें क्या किया, ह्यूमन का जीन अपने बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया, तो हेट्रोलोगस होस्ट, हेट्रोलोगस होस्ट में अपना जीन आ चुका है ह्यूमन का, ये प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोडक्ट अपन को ऑब्टेन करना है। इस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए अपन को इसके नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, इसको ग्रो करवाना पड़ेगा, और कंपनियों में इनके नंबर बढ़ाने के लिए, ग्रो करवाने के लिए लार्ज बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं, बायो रिएक्टर होते हैं, बड़े बड़े मशीनें होती हैं जिनमें अपन ऑब्टेन करते हैं। उसके अंदर कल्चर मीडियम डाला, उसके अंदर एक बैक्टीरिया डाला, वो मल्टीप्लाई करेगा, बहुत सारे नंबर बनेंगे। तो अब एक बैक्टीरिया से अपना प्रोडक्ट बनेगा नहीं, अपन को नंबर बहुत सारे बढ़ाने, क्या डायरेक्ट क्या करें, एक बड़ा सा रिएक्टर है और उसके अंदर मिलियन टन, हजार टन, मान लो 1000 टन, 2000 टन या 100 टन अपन को कल्चर मीडियम डालना है। कल्चर मीडियम का मतलब जहां बैक्टीरिया
ग्रो कर सके। क्या डायरेक्ट अपन बायोरिएक्टर में उसको भर देंगे पूरा 1000 टन अपन डाल दिया, फिर उसके अंदर उस बैक्टीरिया को डाल दें, उसको ग्रो करवाएं, सही रहेगा? तो क्या करना चाहिए? आइसोलेट करके नहीं। अब अपन सबसे पहले इस बैक्टीरिया को अपन देखते हैं ग्रो करवा के इसके लिए सूटेबल कल्चर मीडियम कौन सा है। जैसे कल्चर मीडिया अलग अलग होते हैं, जैसे अपन नाम ले अगार अगार, तो और भी बहुत सारे कल्चर मीडिया जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। सबसे पहले अपन बहुत सारे अलग अलग कल्चर मीडिया लेंगे, उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करवा के देखेंगे सबसे अच्छी ग्रोथ कौन से कल्चर मीडिया पे करता है। अब मान लो अपने 1000 टन अपन ने डाल दिया लिक्विड, बोले कल्चर मीडियम, उसके अंदर बैक्टीरिया डाला, बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहा है, क्या करना पड़ेगा अपन को? जो अपन ने डाला है इतना कल्चर मीडियम, क्या करना पड़ेगा उसको? वेस्ट हो जाएगा। और हर बार ऐसे करते रहेंगे तो 1000 टन, हजारों टन, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 10000 लीटर पानी, कोई भी अगर कल्चर मीडियम वेस्ट करना अपने घाटे में चली जाएगी। तो इससे पहले लैब के अंदर क्या करेंगे अपन, इसके लिए कल्चर मीडियम सेलेक्ट करेंगे, कौन से कल्चर मीडियम पे सबसे ज्यादा अच्छा ग्रो करता है। तो मान लो अपन ने, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ग्रो ऑन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब एकदम मात्रा लेकर इसको ग्रो करवाना है। मान लो अपन ने, देखो ये टेस्ट ट्यूब ली है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने ये पोर्शन ले लिया अपना लिक्विड कल्चर मीडियम, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब ली है, ये तीसरी टेस्ट ट्यूब ली है अपने, और ये चौथी, चार मान लो टेस्ट ट्यूब ली है अपने, इन चार टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन को इनको ग्रो करवाना है, ये लो, ठीक है। अब देखो इधर, देखो ये बैक्टीरिया मान लो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर, बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ग्रो करवा के देखेंगे। ये ब्लू कलर में बना रहा हूं ये बैक्टीरिया मान लो, और इसका टेम्परेचर मैंने रखा 20 डिग्री सेल्सियस था, इसका मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, इसका 30 डिग्री सेल्सियस था, इसका 35 डिग्री सेल्सियस था। तो बताओ अच्छे से सबसे अच्छी ग्रोथ किसमें दिख रही है अपने को? 25 डिग्री सेल्सियस वाले में अपने पास सबसे अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो इसका टेम्परेचर और इस कल्चर मीडियम की पीएच क्या थी, इसका टेम्परेचर क्या था, उन सबको अपन देख लेंगे, और कौन सा कल्चर मीडियम अपन ने यूज किया है कि इसके ऊपर वो अच्छे से अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, ऑप्टिमम पीएच पर, मतलब वो पीएच जहां पर सबसे सूटेबल, सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है बैक्टीरिया। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इस कल्चर मीडियम को, उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, इस टेम्परेचर को अपन को मेंटेन रखना है, और ऐसी पीएच नोट कर लेंगे कि इस पीएच के ऊपर यह सबसे अच्छी ग्रोथ करता है। टेस्ट ट्यूब लेवल पे अपने कर लिया। अब इसको अपन अपने बायो रिएक्टर, जो बड़े बड़े रिएक्टर्स है जिसमें हजारों टन अपन को प्रोडक्ट बनाना है, हजारों टन में, तो अपन अब उस लेवल के लिए उसको तैयार करेंगे। पहले क्या करेंगे, लैब के अंदर टेस्ट करेंगे कि कौन सा इनके लिए सबसे सूटेबल है, सबसे बेस्ट है, वरना डायरेक्ट अगर अपन यूज कर लेंगे तो पूरा पूरा वेस्ट भी हो सकता है। तो क्या करें, टेस्ट ट्यूब में अपने ले लिया, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है उसकी, वो टेम्परेचर देख लेंगे, इस टेम्परेचर पे सबसे अच्छी ग्रोथ है, उसका पीएच इतना है, और वो कल्चर मीडियम कौन सा है, किस कल्चर मीडियम पे वो ग्रो कर रहा है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है कि कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा है, अगार अगार है, एक अलग अलग टाइप करते हैं, वो कौन की अगार रहता है, और भी बहुत सारे कल्चर मीडियम होते हैं, कौन सा होगा उसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। अब उससे अपन 1000 टन, 2000 टन, जितने भी लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, कल्चर मीडियम बनाना है, उसको बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, बैक्टीरिया होस्ट, नहीं 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 होस्ट इकोलाई लिया है, इकोलाई तो सभी में, सब इकोलाई एक जैसे ही है, सुटेबल इन्वायरमेंट में ही, जो फेवरेबल कंडीशन सबकी सेम ही होगी। अब ह्यूमन की अपनी जो स्पीसीज है, अपन जो खाना ही खाते हैं, रोटी खाते हैं, सारे एक सेम टाइप के खा रहे हैं। और अगर बात करें गधे की, क्या अपने जैसे खाता है, अलग खाता है, बस वही सेम स्पीसीज है, तो फेवरेबल कंडीशन भी क्या है इनकी, सेम है। क्योंकि अब ये बैक्टीरिया है, डिवाइड होगा, बैक्टीरिया अपन को पता है डायरेक्ट डिवाइड होता है, एक से दो बनता है, एक से दो बनेगा, जो ऐसा प्लाज्मिड इसमें होगा आगे वाले में जाएगा, ऐसा डीएनए होगा इसमें जाएगा, तो आइडेंटिकल बनेंगे। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके आइडेंटिकल बनते हैं अपने, तो आइडेंटिकल बनेंगे तो अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एक बैक्टीरिया, इसी बैक्टीरिया को इसके कुछ बैक्टीरिया इसमें ट्रांसफर किए, कुछ इसमें किए, कुछ इसमें किए, कुछ इसमें किए, तो जिस मीडियम में सबसे अच्छा ग्रो हुए है उनको अपन ले लेंगे कि हाँ इस मीडियम में सबसे अच्छी ग्रोथ होती है। ये तो स्मॉल स्केल पे सबसे पहले तो अपन चेक करते हैं इनको कि किस टाइप की ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। बनाओ दस वाइब्रेट आदान,
कल वाइब्रेंट आना वो परसों उसके बाद आना कल कल वहां आना इसके नीचे अपन लिख भी सकते हैं इफ प्रोटीन इनकोडिंग जीन एक्सप्रेस्ड इन प्रोटीन कोडिंग इनकोडिंग जीन एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोलोगस हेट्रोलोगस होस्ट का मतलब समझ गए हेट्रोलोगस होस्ट होस्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बताओ इस लाइन का मतलब पढ़ के बताओ इफ ए प्रोटीन इनकोडिंग जीन प्रोटीन को कोड करने वाला जीन इफ ए प्रोटीन इनकोडिंग जीन इन हेट्रोलोगस होस्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मतलब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है प्रोटीन बन रहा है इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे अपन रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट डीएनए को क्या बोला था रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट ठीक है तो ये रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है और ये अपन ने किस चीज के लिए किया है टू नो टू नो बेस्ट कल्चर मीडियम टू नो बेस्ट कल्चर मीडियम ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर इन सबको पता लगाने के लिए इन सबका अपन ने ये किया है और एक चीज और लिख देते हैं टू नो हाउ प्रोडक्ट सेपरेट एंड आइसोलेट सेपरेट आइसोलेट बात ही क्यों जाएगी सेपरेट आइसोलेट एंड प्यूरिफाई इससे अपन क्या कर सकते हैं इनको क्या किया अपन ने कि अलग से कल्चर मीडियम पे ग्रो करवाने का मतलब कि अपन कल्चर मीडियम सेलेक्ट कर ले पता चल जाए कौन सा कल्चर मीडियम सुटेबल है इसकी पीएच क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या इन सब का पता लगाने के लिए और इससे अपन क्या कर सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है किस टाइप से ऑब्टेन करना है अपन को मान लिया ये इंसुलिन बना रहा है क्या बना रहा है ह्यूमन का इंसुलिन बना रहा है अब इस सेल से इसको ऑब्टेन कैसे करेंगे तो इस बैक्टीरिया में पहले अपन करके देखेंगे इस चीज तब जाके इतना लार्ज स्केल पे करेंगे वरना कितना घाटा हो जाएगा तो इन बैक्टीरिया इस स्केल पे छोटे स्केल पे अपन ऑब्टेन करके देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट है इंसुलिन हुआ कुछ और अपन ऑब्टेन करना है कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर अपन को बनानी है तो किस टाइप से अपन ऑब्टेन करेंगे सारी की सारी मैकेनिज्म स्मॉल स्केल पे करके देखेंगे अगर स्मॉल स्केल पे लेबोरेटरी के अंदर सक्सेस मिलती है तो इसको अपन आगे बढ़ाएंगे आगे लार्ज स्केल पे करेंगे जिससे कि इतने हजारों टन के अंदर इसका प्रोडक्शन कर सके हर चीज का सबसे पहले क्या करते हैं अपन टेस्ट ही करते हैं कि वो सक्सेस होती है कि नहीं होती शिवम तो क्लास में बैठा है रजाई में बैठा होगा आराम से ना हो गया चलो भाई हो गया बना दिया तो अपने ये दोनों पॉइंट समझ में आए अपने क्या किया कल्चर मीडियम अपने ये यूज क्यों किया लेबोरेटरी के अंदर कि अपने कल्चर मीडियम आइडेंटिफाई कर ले किस पीएच पे किस टेम्परेचर पे वो ग्रो करता है ठीक है दूसरा टू नो हाउ प्रोडक्ट सेपरेट कैसे अपन को इस बैक्टीरिया से प्रोडक्ट को आइसोलेट करना है ये मैकेनिज्म भी अपन होने चाहिए क्योंकि लार्ज स्केल पे करने वाले इतना ज्यादा ग्रोथ करवाने वाले हैं तो उनके अगर ग्रोथ करवाने की अपन आइसोलेट करना आएगा प्रोडक्ट आइसोलेट कर पाएंगे तभी तो अपने काम का होगा वरना तुमको पता है लो की पीवीटी एलईडी घाटे में चले जाएगी अरे कंपनी स्टेब्लिश की थी ना पहले दिन बस वो कंपनी आज देख लो यहां तक पहुंच चुकी है अब अपना प्रोडक्ट
ये स्मॉल स्केल के बाद कहां पे आएंगे अब बताओ, अब लार्ज स्केल प्रोसेसिंग करेंगे अपन, कि अब बैक्टीरिया को अपन ग्रो करवाएंगे, सक्सेस मिल चुकी है, ग्रो ऑन लार्ज स्केल। अब लोकेश हरी झंडी दिखा देगा कि चलो भी इसको लार्ज स्केल पे परफॉर्म किया जाए, ठीक है। चलो पहले इसको समझना, बाद में बना लेना, 20 मिनट है, 20 मिनट से समझो इसको, फिर मेरे को जाना है, मेरी क्लास है अभी, तब तक समझो, क्योंकि तुम 3 बजे आए नहीं थे आज, मैं वेट कर रहा था तुम्हारा, कि हम तो खुद आपको समझ के लेट आते हैं 20 मिनट। कल संडे था ना यार, चलो अब तो संडे संडे है, आज तो तुम तो वैक्सीन लगवाने जा रहे थे, क्या हुआ? बढ़िया, बुखार नहीं आया क्या? कब लगवाया था? अभी नहीं, कल दुखेगा। चलो अभी अपन बना रहे बायो रिएक्टर का मतलब जिसके अंदर बैक्टीरिया को अपन को ग्रो करवाना है, और इस बायो रिएक्टर का नाम है, सुनिएगा, स्टीरर्ड बायो रिएक्टर। स्टीरर का मतलब बता दो क्या होता है, स्टीर करना, वो छाछ बनाते हो ऐसे करते ना, वो स्टीरिंग कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का स्टीरर बायो रिएक्टर है, इतना छोटा नहीं है, ये बड़ी बड़ी मशीनें जैसे होती है, बड़ा सा टैंकर होता है, और टन के अंदर उसके अंदर लिक्विड पोर्शन अपन डाल सकते हैं, लिक्विड मीडियम डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्टर अपन बना रहे हैं, तो देखो ये एक टैंक है पूरा, ठीक है, और इस टैंक में ये नीचे स्टैंड लगे होते हैं, और यहां से भी इसकी ओपनिंग होती है, इससे निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। चलो सुनो, और इसके अंदर यहां पे लगी होती है ये मोटर, क्या है मोटर, मोटर क्या करेगी, इसको रोटेट करवाएगी, क्यों करवाएगी सुनिएगा, इसमें यहां पे लगे होते हैं इसके, समझते हो क्या मतलब हुआ, क्या बोलते हो, नाम बताओ इनका, ब्लेड बोल सकते हैं, बस वैसी, ये ऐसे बंद, समझ जाओ मतलब ये है, इसके चारों ओर ये ब्लेड ऐसे रोटेट कर रही है, ये आगे पीछे नहीं है, ये बिल्कुल रोड है, ऐसे है, पंखा मान लो अपना, ऐसे पंखे की ताड़ियां है ना ये, फिर पंखे की ताड़ी ऐसे, इस प्रकार बहुत सारी होगी ऊपर से। अब ये क्या क्या फायदा होगा, ये तो घूमेगा, तो पत्तियां घूमेगी, तो जो अंदर जो भी होगा वो सब मिक्स होएगा, सब क्या होगा, मिक्स होएगा। इस प्रकार की ये मान लो ब्लेड्स लगी होती है, इनका नाम होता है फ्लैट ब्लेड इंपेलर, क्या होता है, फ्लैट ब्लेड इंपेलर। इसका काम क्या है, जो भी इसके अंदर लिक्विड पोर्शन जो भी होगा, मीडियम होगा, उसको रोटेट घुमाने का काम करेगा। ये मोटर है, इसको चलाएंगे तो ये धीरे 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 रोटेट होगी। मान लो 1000 टन जितना भी टन इसके अंदर प्रेजेंट है, ये मानो अपना लिक्विड इसके अंदर अपन ने डाला है कल्चर, और कल्चर डालते हैं लिक्विड की फॉर्म में, क्या डालते हैं, लिक्विड की फॉर्म में, सॉलिड नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे पता चलेगा अभी। ये रोड है जिसके तारों ये इंपेलर अपने लगे हुए, और ये जो है अपना कल्चर ब्रोथ, क्या है, कल्चर ब्रोथ का मतलब होता है, ब्रोथ वर्ड यूज करते हैं अपन, लिक्विड कल्चर मीडियम, कल्चर ब्रोथ का मतलब क्या है, लिक्विड कल्चर मीडियम है यहाँ, ठीक है। ये हो गया अपने इसकी साथ फ्लैट ब्लेड इंपेलर हो गया, ये कल्चर ब्रोथ हो गया, ये इसके बाद मोटर है। अब इसके अंदर अपन क्या डाल देंगे, अपने जो बैक्टीरिया थे उसको डाल देंगे, ये लो, ये मान लो बैक्टीरिया डाल दिया अपन ने, रेड कलर में समझाना कि ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। अब जैसे बैक्टीरिया डाला है यहाँ पे, बैक्टीरिया क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, इस फूड का यूज करेगा, खाएगा, ग्रो करेगा। अब अगर इसको अपन को चलाते रहना है तो यहाँ पे जरूरी है क्या देनी पड़ेगी, एयर, और मैं लिख रहा हूं स्टेराइल एयर, यहां से अपन इसके अंदर क्या आएगी, ऑक्सीजन,
क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो करवाने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो जरूरी है। इधर क्या आ रही है? स्टराइल एयर। स्टराइल एयर का मतलब फ्रेश एयर आ रही है, कंटामिनेटेड एयर नहीं आ रही है, प्योर ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन आ रही है। अब देखिए, ये एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आया था, स्टीरर का काम क्या है, जल्दी से बताओ। रोटेट हो रहा है, कल्चर मीडियम को मिक्स कर रहा है, नहीं ये ऑप्शन में नहीं। दूसरा, यहाँ पे क्या आ रही है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आ रही है तो इसको पूरे कल्चर मीडियम के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए, मिक्स करने के लिए, कि हर एक पार्ट तक, हर एक जो बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं उसके हर एक के पास क्या जाए? ऑक्सीजन जाए, और कल्चर मीडिया सेटल डाउन नहीं हो, वो पूरा कल्चर मीडिया भी सभी बैक्टीरिया के पास अवेलेबल रहे और ऑक्सीजन भी अवेलेबल रहे, हर एक बैक्टीरिया जो है यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वो यूज कर सके प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। नीट में आया ऑप्शन स्टेरॉइड अपन यूज किया है, किस स्टेरॉइड है, या फ्लैट जो ब्लेड इंपेलर है, इनका काम क्या है? ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को कंटिन्यू बनाए रखना, कि हर एक पार्ट में यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। दूसरा, जब ये टैंक खाली होता है, जब ये टैंक खाली होता है तो यहाँ पे होता है, अपन यहाँ पे डालते हैं स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन। स्टीम का मतलब समझते हो ना? भाप। स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, स्टीम का भाप को डालेंगे स्टरलाइजेशन के लिए, क्योंकि जब ये टैंकर खाली होता है उस समय, कि अपन को अब नेक्स्ट अपना बैच चलाना है, इसके अंदर नेक्स्ट ग्रो करवाने हैं, तो उससे पहले कि पुराना बैक्टीरिया यहाँ पे नहीं हो, पुराना बैक्टीरिया वगैरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो, तो अब उसको पहले साफ करके फिर उसमें ग्रम अपन भाप ट्रांसफर करेंगे, स्टीम ट्रांसफर करेंगे, जिससे क्या हो जाए, जो अंदर कोई अगर बाई चांस बैक्टीरिया रह भी गया वो क्या हो जाए, मर जाए, क्योंकि अब अपने काम नहीं है। जब नया अपन बैच इसके अंदर डालना है, कि अब अपने नया प्रोडक्ट करना है, नया कल्चर मीडियम डालना है, नए बैक्टीरिया को यहाँ पे डालना है, तो पुराने वाले से क्या करना पड़ेगा, उसको कंटामिनेशन फ्री करना पड़ेगा, कि कंटामिनेशन नहीं हो, तो क्या देंगे, स्टीम देंगे। स्टरलाइजेशन क्या होता है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उन सबको नष्ट कर देना, स्टीम मतलब भाप से, फुल हाई टेम्परेचर में स्टीम जाएगी, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अंदर प्रेजेंट है सारे सारे मर जाएंगे, कि वो बिल्कुल स्टराइल हो जाए, बिल्कुल फ्रेश रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या डालेंगे, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, ठीक है, चलो। और यहाँ पे इसके अंदर होता है पीएच कंट्रोलर, क्या होता है पीएच कंट्रोलर, पीएच कंट्रोलर, कंट्रोलर का मतलब क्या होगा, कि वो एसिडिक होगा कि बेसिक, अगर वो मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है, तो यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी, तो अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कि चलो इस, अपने बोला ना पीएच टेम्परेचर अपन सब रोट कर रहे हैं, पहले अपन लेबोरेटरी के अंदर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, इसे किया ना अपने स्मॉल स्केल पर, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच अपने ऑब्टेन कर लिया, तो यहाँ पे अपन देख लेंगे ऑप्टिमम पीएच क्या है, ऑप्टिमम पीएच बनाए रखेंगे अपन, कि पीएच चेंज नहीं हो जाए, घूम रहा है, कुछ बैक्टीरिया अगर हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाए, कुछ और अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो पीएच चेंज नहीं हो, पीएच को मेंटेन रखे, तो ये था पीएच कंट्रोलर। अब अगर बताइए, जब कोई चीज घूमती है, पंखा चल रहा है 15-20 मिनट आधा घंटा हो गया, तो बताइए पंखे को हाथ लगाएंगे ठंडा ठंडा लगेगा, कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। ये भी तुमने सुना होगा, जब दही वगैरह बनाते हैं, छाछ बिलोते करते हैं अपन, तो वो देखते हैं तो वो गर्म नहीं रहती, जब ताजा बनती है तब गर्म, क्योंकि वो मूव कर रहा है इस वजह से, तो ये भी क्या हो सकता है, गर्म हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला टेम्परेचर रहेगा। अब अपन को पता चला टेम्परेचर बढ़ चुका है, टेम्परेचर अगर बढ़ चुका है तो यहाँ पे अपन क्या डाल देंगे, कोल्ड वाटर, यहाँ पे ये देखो ये डबल लेयर है ना, यहाँ पे अपन कोल्ड वाटर ठंडा वाटर डाल देंगे, जिससे कि टेम्परेचर क्या हो जाए, इसका कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, यहाँ पे कोल्ड वाटर डाल देंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, घूमता रहेगा, तो टेम्परेचर बढ़ सकता है। दूसरा बताइए, जब दही बनाते हैं अपन, छाछ बनाते हैं दही से अपन, तो जैसे ही गिलोते हैं तो उसमें झाग बनते कि नहीं बनते, यहाँ पे भी क्या हो सकते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे झाग बन सकते हैं, झाग बन सकते हैं। झाग को ब्रेक करने के लिए ऐसे ही ये ब्लेड जो है, फ्लैट जो अपने इम्पेलर है, यहाँ पर भी होती है, ये क्या होगा, झाग को ब्रेक करेगा, इनको क्या बोल देंगे अपन, फोम ब्रेकर, फोम को ब्रेक करने वाली, झाग को ब्रेक करने वाली, क्योंकि झाग बनने उनको टाइम टू टाइम हटाती जा रही है, कि बैक्टीरिया की ऑप्टिमम ग्रोथ को फर्क नहीं पड़े, उसको सारी की सारी चीज सूटेबल मिले, कि वो ग्रो करता रहे। अब बैक्टीरिया क्या कर रहा है, धड़ाधड़ ग्रो कर रहा है, फुल बैक्टीरिया, यहाँ पे इतने सारे बैक्टीरिया हो गए, अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो बताइए उसके अंदर वो प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा,
वो तो बैक्टीरिया की सेल में बनता रहेगा, वो बन ही रहा है, और इस प्रकार से बैक्टीरिया भी क्या करते जा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए यहाँ पे अपन लेते हैं, यहाँ पे इसके एक जगह होती है, यहां से जगह होती है, इसको बोलते हैं अपन सैंपलिंग पोर्ट। क्या बोलते हैं? सैंपलिंग पोर्ट। सैंपलिंग का मतलब अपन यहां से जैसे अपन घी निकालने के लिए कुछ यूज करते हैं ना, उस टाइप पे मान लो कि यहाँ पे अपन डाल के निकाल के देख लेंगे किसी सैंपल में लाके कि बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अंदर, कि वो पता चला बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, अपन चलाते ही जा रहे हैं, तो यहाँ से अपन सैंपल निकाल के देख सकते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और कितना ग्रो कर रहे हैं। देखो अब पूरे के अंदर तो टैंकर को तो इतना लीटर में है, 1000 लीटर के अंदर अपन मेजर नहीं कर सकते, तो किसी चीज का 1000 का अपन को मेजर करना है तो क्या करें अपन, उसका एक छोटा सा पार्ट ले ले, फिजिक्स में लेते हो ना, छोटा सा पार्ट ले ले, वायर का पूरे का अपन को स्टडी करना है, छोटा सा पार्ट ले लो, उसकी स्टडी करो, मल्टीप्लाई जोड़ते जाओ, क्या बोलते हो उसको, डीएक्स मानते हो, डीएक्स को क्या बोलते हो, अल्फांस, हिंदी में अल्फांस बोलते हैं, अंग्रेजी में ध्यान नहीं मेरे को, क्या बोलते हैं, अगर पूरे वायर का अपन को पता करना है तो इतना पार्ट ले लो, उसको डीएक्स मान लो, फिर ये एक मान लो डीएक्स, इस करते जाओ इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेट जुड़ जाएगा, वैसा ही यहाँ पर है। अब 1000 लीटर का तो अपन मेजर करेंगे, 1000 लीटर में कितने बैक्टीरिया, क्या करें, यहाँ से निकाल लो 100 ml निकाल लो कि 100 ml में इतने बैक्टीरिया हुए हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो, टोटल 1000 लीटर का है, तो अपन पूरा रेशियो बता सकते हैं कि हाँ बैक्टीरिया इस प्रकार से इस लेवल के ग्रो कर चुके हैं, इतने बैक्टीरिया अंदर ग्रो कर चुके हैं। 1000 लीटर का अपन आइडेंटिफाई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि बैक्टीरिया को देखे कितने बैक्टीरिया, एक सैंपल निकाल लो 100 ml का निकाल लिया, उसके अंदर अपन कैलकुलेट देख लें कि किस किस टाइप पे कितने एरिया में कितने बैक्टीरिया है, एरिया सेलेक्ट करके 100 ml कर लिया, तो अपन अगर 100 की जगह 1000 ml होगा तो उसके हिसाब से करते हैं कैलकुलेशन, कर देंगे नहीं कर देंगे, बस ऐसा ही है। इसमें थोड़ा सैंपल लिया अपन ने, देख लेंगे ग्रोथ ऑप्टिमम हो रही है कि नहीं हो रही, ऑप्टिमम ग्रोथ हो रही है मतलब अपना काम सारा सही है। ठीक है, तो अब इनमें से कुछ मैक्सिमम चीजें अपन ने कर दी है, और स्टराइल एयर हो गया, अब बनने के बाद इसमें कुछ बचा तो नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं अपन, नहीं हो गया सारा। अब बड़ा टैंकर है, अब क्या करना है, बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ कर चुके हैं, अब इसको अपन को आगे ऑब्टेन करना है, प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है, तो यहाँ पे नीचे वॉल लगा रहता है, बिल्कुल बड़ा वॉल लगा रहता है, इसको यहाँ से क्या करते हैं अपन, इसको हटाते हैं और सैंपल को आगे छानेंगे, अब सैंपल को क्या करेंगे, छानना है अपन को, सेव कर, लिक्विड तो है, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट तो अपन किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के अंदर है प्रोडक्ट, तो बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है प्रोडक्ट, तो अब बैक्टीरिया को छान रहे हैं अपन, जैसे यहाँ पे अब बना रहे हैं, इसी को मान के चलना कि ये अपना हो गया बायो रिएक्टर, ध्यान से ये हो गया अपना बायो रिएक्टर, और यहाँ पे अपन इसके नीचे बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे हैं, और कुछ इस प्रकार का छानने का होता है कि इससे जो लिक्विड पोर्शन है वो तो क्या हो जाता है, नीचे निकल जाता है, लेकिन जो बैक्टीरिया क्या रहेंगे इसके ऊपर, ये बैक्टीरिया यहाँ पे रह गए, ये बैक्टीरिया रह गए, और जो लिक्विड पोर्शन था, जो अपना ग्रोथ मीडियम था, वो तो नीचे चला गया, यहां से ये आया आपने, ठीक है, तो ये क्या आ गए अपने बैक्टीरिया को जो अपने ग्रो करवाए थे वो, अब इन बैक्टीरिया को क्या करेंगे, अभी अपने काम के नहीं है, इसके अंदर सेल के अंदर प्रोडक्ट तो बन चुका है, अब इनको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इनको मार देंगे, तो इनके अंदर प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट आ जाएगा, लेकिन अभी वो प्रोडक्ट प्योर है क्या, नहीं, अभी क्या बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल्स के पार्ट है, उसकी सेल वॉल के पार्ट है, तो अब इसको यहां से सेपरेट करके क्या करेंगे अपन, पहले तो सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, क्या करेंगे, प्यूरिफाई कर देंगे, क्या प्यूरिफाई करके, ठीक है, प्यूरिफाई करके क्या करेंगे, प्यूरिफाई हो गया, उसको अगर लॉन्ग टर्म तक चलाना है क्या करें, कुछ ऐसा डालें कि वो खराब नहीं हो, अचार में क्या डालते हैं, तेल सोल्ट डालते हैं कि वो फ्रीज क्या हो सके, वो फ्रीज हो सके, तो इसके अंदर भी क्या डालेंगे, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव डाल दिया, अब क्या करेंगे, लेबोरेटरी के अंदर क्वालिटी टेस्ट, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, प्रोडक्ट जो अपने तार है तो वही बना कि नहीं बना, क्वालिटी टेस्ट के बाद क्या करेंगे, पैकेजिंग,
कंपनी है तो छोटी मोटी कंपनी थोड़ी है, लोकी पीवीटी एलटीडी है, तो क्या करेंगे अपन प्रोडक्ट को पैकेजिंग, जितनी अट्रैक्टिव पैकिंग होगी उतना ही नाम होगा, उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी, उतनी चलेगी, तो पैकिंग अच्छी से करेंगे। फिर उसके बाद क्या करवाएंगे, मार्केटिंग, एमआर जो होते हैं वो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करेंगे और वो मार्केट में आगे अपन सेल करेंगे, कंपनी फायदे में जाएगी। तो ये होता है प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने की मैकेनिज्म। अब सुनना, यहां से इसको छाना, सेपरेट किया, प्यूरिफाई किया और प्रिजर्वेटिव मिलाया, क्वालिटी टेस्ट किया, इन सभी को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, मतलब इसके बाद जो परफॉर्म किया, नेक्स्ट जो प्रोसेस आपने परफॉर्म करी है उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। एग्जाम में आ सकती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। कौन कौन सी चीज को? सेपरेट करना, प्योरीफाई करना, प्रिजर्वेटिव मिलाना, क्वालिटी टेस्ट करना। अब मार्केट नहीं, क्वालिटी टेस्ट करना, यही तक, ये क्या है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अब एनसीईआरटी सेपरेट करने को, प्योरीफाई करने को और प्रिजर्वेटिव मिलाने को बोलती है डाउनस्ट्रीम, लेकिन क्वालिटी टेस्ट का उसने कंफर्म नहीं बताया कि ये डाउनस्ट्रीम में आता है कि नहीं आता। क्वालिटी टेस्ट का उन्होंने कंफर्म एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है कि डाउनस्ट्रीम में आती है कि नहीं आती, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देगी। अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेस इंक्लूड फर्स्ट ऑप्शन सेपरेशन ऑफ होलसेल या सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्योरीफाई ऑफ या प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन आ जाए क्वालिटी टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ द अबव, क्या करेंगे आंसर? ऑल ऑफ द अबव, डाउनस्ट्रीम के अंदर। अब आ जाए कि इन डाउनस्ट्रीम प्रोसेस विच वन आर नॉट इंक्लूड या विच वन इज नॉट इंक्लूड, वही सेपरेशन आ जाए, प्रिजर्वेटिव आ जाए, क्वालिटी टेस्ट आ जाए और प्यूरिफाई आ जाए, प्यूरिफिकेशन आ जाए, तो क्या कर देंगे? क्वालिटी टेस्ट को अपन डाउनस्ट्रीम में कंसिडर नहीं करते, वो क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर दे देंगे। और ये हो गया प्रोडक्ट को सेपरेट करने की पूरी मैकेनिज्म, ठीक है? इसको बनाना और इसके आगे का मैं तुमको ग्रुप पे फोटो भेज दूंगा, उसको लिख लेना जो मैंने अभी बताया है वो, ठीक है? बनाओ इसका स्क्रीनशॉट वगैरह, जो भी लेना है भी ले लो, क्लास एंड कर रहा हूं मैं। स्टेरॉइड बायो रिएक्टर, या नीचे पूरा नाम लिख दो सिंपल, ये इसको लिख दो सिंपल स्टेरॉइड बायो रिएक्टर। एनसीईआरटी का डायग्राम एनसीईआरटी में भी देखना, एग्जाम में वही आएगा, अपन इसको एक्सप्लेन कर दिया। और स्टेरॉइड ये फ्लैट ब्लेड इंपेलर का वर्क समझ में आ गया, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को बढ़ाना हर एक पार्ट तक, ठीक है? बना लिया भाई? शिवम हर्षिता बताओ, या तो स्क्रीनशॉट ले लो कि फोटो भेजूं, कि फोटो भेजूं ग्रुप पे? बना वो स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले, समझ में आ जाएगा? यस यस सर। हर्षिता उतार दिया क्या? बताइए बताइए, चलो भाई ठीक है, मैं फोटो भेज देता हूँ।